जिस तरीके से कहा जा रहा है कि फौजी गेम पबजी का अल्टरनेटिव होने वाला है, उसी तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो गेम जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये GTA 5 की टक्कर का होने वाला है। तो क्या ये बात सही है? इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो हे गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। बिना कोई लंबा इंट्रो और लाइक करो सब्सक्राइब करो वाली नौटंकी को साइड में रखते हुए, मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ एवरीवेयर गेम की कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। गाइज अगर मैं आपको सच बताऊँ तो GTA 5 को आए हुए 7 साल से भी ज़्यादा हो चुका है और एक भी ऐसा गेम नहीं आया जो GTA 5 की टक्कर का हो और GTA 5 जैसे ही हम लोगों के दिलों पर राज कर सके। तो गाइज अब ये गेम आ चुका है, इस गेम की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में दे दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। रॉकस्टार गेम्स के फाउंडर लेस्ली बेंजीज ने 2016 में रॉकस्टार कंपनी लीव कर दी थी। उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की एक कंपनी बनाई जिसका नाम था रॉकस्टार बॉय गेम्स, और उसके बाद उन्होंने 2017 में एक नए गेम की अनाउंसमेंट कर दी जिसका नाम था एवरीवेयर। 42 मिलियन रुपीज़ की उन्हें फंडिंग मिली इस गेम को बनाने के लिए। लेस्ली बेंजीज का ये कहना है कि इंडिया में गेमर्स काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं और गेमर्स की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और जब वो किसी भी गेम को पैसे देकर ख़रीदते हैं तो वो लोग उस गेम से काफ़ी उम्मीदें लगा के उस गेम को ख़रीदते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जितनी चीज़ें पॉसिबल हो सकें तो उतनी चीज़ गेम में होनी ही चाहिए। तो उन्होंने ये कहा है कि इस गेम में हम वो हर चीज़ कर सकते हैं जो हम लोग रियल लाइफ में करते हैं, मतलब लिटरली हर चीज़, किसी भी टाइप की एक्टिविटी को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। उनका ये भी कहना था कि हम लोगों को एक ऐसा गेम मतलब बनाना चाहिए जिसमें हम लोग एक सिटी से दूसरी सिटी इजीली ट्रैवल कर सकें। मतलब जैसे कि तुमने देखा होगा कि GTA के मैप्स काफ़ी लिमिटेड होते हैं, मतलब एक सिटी पर ही बेस्ड होते हैं, लेकिन एवरीवेयर गेम का जो मतलब मैप होने वाला है वो उसमें एक सिटीज़ नहीं होंगी, काफ़ी सारी मल्टीपल सिटीज़ होंगी, ठीक है। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर कहीं पर भी जा सकते हैं, आउट ऑफ द वर्ल्ड कहीं पर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसीलिए लेस्ली बेंजीज ने इसका नाम ही एवरीवेयर रख दिया। और गाइस इसकी एक खासियत और है कि प्लेयर्स जो है ना वो इसमें अपना खुद की कैरेक्टर बिल्ड कर सकते हैं, जिस तरीके से GTA ऑनलाइन स्टार्ट करते समय हम लोग अपना खुद का कैरेक्टर बिल्ड करते हैं उस तरीके से। और उसके बाद हम लोग इसमें अपनी खुद की स्टोरी स्टोरी भी कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिस तरीके से मतलब अगर हम लोग चाहें तो एक नॉर्मल पर्सन की तरह भी रह सकते हैं, चाहें तो एक गैंगस्टर की तरह भी रह सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी, हम लोग कैसे भी रह सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें गाइस ये सिंगल प्लेयर होने वाला है कि मल्टीप्लेयर, इसका जवाब लेस्ली बेंजीज ने काफ़ी अच्छे से दिया। उन्होंने कहा जब मैं अकेले रहना चाहता हूँ तो मैं अकेले रहता हूँ, जब मैं अपने दोस्तों के साथ में रहना चाहता हूँ तो मैं उनके साथ में रहता हूँ, और कभी कभी जब मैं अपने दोस्तों के साथ भी रहता हूँ तब मैं उनसे इंटरेक्टिव नहीं करना चाहता तो वो नहीं करते हैं। तो यही चीज़ सेम ऐसी होने वाली है, इसमें सिंगल प्लेयर और मल्टीप्लेयर दोनों ही कंबाइन रहेंगे, मतलब जब भी आप चाहो तो सिंगल प्लेयर खेल सकते हो और जब भी चाहो तो अपने फ्रेंड्स को बुला सकते हो। अब आप लोग सोच रहे होगे कि ये फीचर्स तो GTA 5 में भी है। सो गाइस GTA 5 में क्या है कि उसमें GTA ऑनलाइन और GTA का ऑफलाइन वर्जन दोनों के ही जो वर्ल्ड हैं वो दोनों सेपरेटेड रहते हैं, मतलब जो चीज़ आपने GTA ऑनलाइन में ख़रीदी है वो चीज़ आप GTA के ऑफलाइन वर्जन में नहीं ले सकते। तो इस तरीके से ये दोनों ही जो वर्ल्ड हैं वो सेपरेटेड रहते हैं, इसीलिए ये जो गेम है GTA 5 से थोड़ा सा अलग होने वाला है। सो गाइस तुम लोगों को याद होगा कि मैंने स्टार्टिंग में कही थी कि ये गेम GTA 5 के टक्कर का होने वाला है, लेकिन मैं अगर अपनी बताऊँ तो ये GTA 5 की नहीं GTA 6 के टक्कर का होगा, क्योंकि अब लेस्ली बेंजीज को ये तो पता ही है कि किसी गेम को सक्सेसफुल कैसे बनाते हैं और किस तरीके के गेम हम लोगों को गेमर्स को पसंद में आते हैं। अगर ये प्रेजेंट टाइमलाइन में हुआ तो ही हम लोग इसे GTA के साथ कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर ये फ्यूचर की टाइमलाइन में हुआ तो फिर इसे GTA के साथ कंपेयर करना मुश्किल होगा, क्योंकि तो फिर GTA के साथ कंपेयर करने के लिए बचेगा ही नहीं, ये साइबरपंक जैसे गेम के साथ कंपटीशन कर सकता है, ठीक है। और गाइस फिलहाल तो इसका कोई भी टीज़र वगैरह या फिर कोई स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भी रिलीज़ नहीं हुआ है, जैसे ही कुछ भी सामने आएगा लीक्स वगैरह मैं आपको मेरी वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। तो इसीलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। सो गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, इसी तरीके की और भी इन्फॉर्मेशन के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। सो गाइस मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।
always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just want